करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत क्यों ना करूं। लाइफ में कभी दोबारा MBA चाय वाला नहीं आऊंगा मैं ऐसा। तो क्या हाल है आप लोगों का? आज तक तो तुम लोग बिजनेसमैन को बड़े बड़े गाड़ियां, मकान, टीवी या फिर न्यूज़पेपर में देखा होगा, लेकिन मार्केट में नया नया बिजनेसमैन आया है जो सड़क पर घूमता फिर रहा है। आलो ले लो। वो बिजनेसमैन तो अपने स्वैग में रहता है और कभी भी 5-स्टार होटल से नीचे बात तक नहीं करता, और इनका खुद का ठेला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टअप वालों की, जिनका स्टार्टअप 4 पिलर पे नहीं 4 पहियों पर होता है। आजकल हर कोई स्टार्टअप खोल रहा है और दबा के बकचोदी कर रहा है, जैसे कि BEd चाय वाली, BCom चाय वाला, BTech चाय वाली, BBA चाय वाला, और इन सब का गुरु कोई और नहीं बल्कि डॉली चाय वाला ही है। सर, जिंदगी में मुझे कुछ करना था, सोचा BTech करते करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत क्यों ना करूं। अगर मुझे BTech करके चाय बेचना पड़े तो सबसे बड़ा चूतिया तो मैं हूं, और इससे भी बड़ा चूतिया वो है जो इसे स्टार्टअप समझ रहा है। ऐसा कौन सा पेरेंट है जो चाय बेचने के कोर्स के 3-3 लाख भर रहा है? ये तो वही कहानी हो गई ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो मैम, बनाना शुरू कीजिए, आप चाय कैसे बनाते हैं? चाय का क्वालिटी के साथ साथ आपको इसमें जो मसाले हैं वो बहुत ही आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। ये चीनी सल्फर फ्री है। ओके, हमने अपने कस्टमर का हेल्थ का पूरा ध्यान रखा है। इतना कुछ मालूम है तो चाय क्यों बेच रही है? डॉक्टर बन जाना। चाय जहाँ तक हो शरीर को सिर्फ नुकसान ही देता है। कस्टमर के हेल्थ का ख्याल रखना है तो चाय बेचना ही बंद कर दो। यहाँ पे ट्रांसफर। क्या बात है भाई, एकदम गर्मा गर्म है। ये चूतिया चाय गर्म ही होता है, वरना हवा भी ठंडी होती है, पानी भी ठंडा होता है। अब आगे देखते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन। कुछ लोग आए थे हमारे चाय के टपरी पर और चले गए थे हमको छपरी बोलकर। ये तो मेहनत का फल है ना साहब। आ गए ना सीधा बिलगिट सर को चाय पिलाकर। अबे बेवकूफ है वो लोग जो डॉली टपरी को छपरी बोलते हैं। इज्जत से कोई बड़ी गाली दो जो बुरा लगने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी लगे, क्योंकि गांडू बोलना तो ये भी डिजर्व करता है। और ये भोंसरी का कौन सा इंसान है जो इतने गर्मी में भी कोट पहनकर घूम रहा है? बेटे चोचलेबाजी मत कर, वरना फीडबैक में गाली ही गाली देखने को मिलेगी। दोस्तों ये है इनका शॉप, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर नाम BCom चाय वाला। आपने ये जो अपना यूनिक नाम दिया अपने शॉप को, तो ऐसा क्या आपके मन में विचार था कि आपने ये नाम दिया इनको? काफी टाइम से बिजनेस का मन था। बिजनेस बहन के पकौड़े चाय बेचना बिजनेस कब से बन गया? मेरे गांव में भी 2-4 लोग चाय बेच रहे हैं, तो क्या उसे मैं बिजनेसमैन कहने लगूं? कितना गाली दूं इस एजुकेशन सिस्टम को। कोई BTech करके चाय बेच रही है, कोई BCom करके चाय बेच रहा है, कोई बकचोदी करके चाय बेच रहा है। अट्रैक्टिव होता है एक बिजनेस में अगर आप देखते हैं तो नेम ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव भी हो, समझ में भी आए और दूसरों को मोटिवेट करे। या फिर अगर चाय और हाई लेवल का बनाना है तो पहले जा BBA, MBA और BCom करके आ। और चाय बेचने वाला अपने आप को बिजनेसमैन ही समझ रहा है। This is business. If it's my fault. I know, but I did business. Shut up. आज कहते हैं ना लड़कियों के फेम कमा रही है, 2 दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, 2 दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा जो मैंने जी। आज भाई को दिख रहा है 350 गज की कोठी छापेगी। छापेगी तो बहन मेहनत करके छापेगी ना, तेरे क्या दिक्कत जा रही है यार। रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा, सबको छीनते हुए देखा। लेकिन मैं तो वड़ा पाव खाने आया था, ज्ञान बाद में पेलियो, पहला वड़ा पाव लगा। वड़ा पाव बनाते बनाते ज्ञान इतना पेल रही है कि खाने वाला तुरंत ही ज्ञान के मामले में न्यूटन का बाप बन जाएगा। आजकल सभी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। ये सारी की सारी बिंद्रा की देन है जो घर घर में मोटिवेशन पल रहा है। साला काम करे झाड़ और ज्ञान चौधे रात भर। 2 दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, 2 दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा। खैर इनसे मिलिए, ये है दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। ये दिल्ली में ठेले पर वड़ा पाव बेचती है और इसका धंधा और बकचोदी दोनों ही दबा के चलता है। मैंने कहा मेरी जगह से हटा दिया, फिर दूसरी जगह गई, फिर हटा दिया, मैं मान गई। क्या बार बार मेरी रोटी रोटी को आप कह दोगे कहीं भी खड़ी करने तो वो मैं नहीं कर सकता। इसके नजर में देश का कानून बेकार है। हमारा थोड़ा देश का कानून है ना चेंज होना चाहिए। हाँ हाँ, अभी ओपोजिशन डाल रहा हूँ कि देश का कानून चेंज करे। एक तो रोड पे ठेला लगा के बकचोदी करो, ऊपर से कोई कुछ बोल दे तो देश का कानून ठीक नहीं है। कल को अगर चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो यही बोलेगा भैया हमें हमारा काम करने दो, आप अपना देश का कानून चेंज करो। और ये गंडमारा फूड ब्लॉगर तो व्यूज पाने के लिए कहीं भी घुस जाते हैं बकचोदी करने। तो मैम बनाना शुरू कीजिए, आप चाय कैसे बनाते हैं? इनको हर चीज पता होता है, फिर भी भैया ये क्या डाला, भैया वो क्या डाला, भैया ने अपने मलाई का रस मलाई बनाई है खाएगा। रिएक्ट तो ऐसे करता है जैसे कि आज ही पैदा हुआ है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो, छोटा चैनल है अभी, सपोर्ट करो यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।